अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को मैरिनेटेड मटन कोरमा बनाना सिखाऊंगी एक नए अंदाज़ में। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों ने मटन ले लेना है। इसमें लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, हसबे जायका नमक, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्चें। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने इसमें डाल देना है 1 कप तक दही, ठीक है। इसमें आप लोगों ने तकरीबन 2 कप दही यूज़ करना है। 1 कप मैं मैरिनेट के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ और दूसरा मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कब यूज़ करना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मसाले को मटन पर लगा देना है, ठीक है। अच्छे तरीके से मैं इसको लगा रही हूँ, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। आधे घंटे के लिए मैं इसको रख दूँगी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। मटन को रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। अब मैंने प्रेशर कुकर में ऑयल ले लिया, इसमें मैंने प्याज डाल दी, 2 अदद प्याज डाल दी। प्याज का कलर चेंज कर देंगे, माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ मटन इसमें डाल देंगे, ठीक है। ये तमाम आप लोगों ने इसमें डाल देना है, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है ज़बरदस्त तरीके से। बस प्याज का कलर आप लोगों ने चेंज करना है ताकि एक खूबसूरत सा हमारा ये तैयार हो मटन कोरमा, ठीक है। तो अच्छे तरीके से मैं इसकी मिक्सिंग कर देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसकी मिक्सिंग की, आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कोरमा मसाला। इसके अलावा 2 अदद टमाटर इसमें डाल देंगे, ठीक है। ये ऑप्शनल है, आप लोग डालें तो डालें वरना इस स्टेप को स्किप कर दें। वैसे कोरमे में टमाटर नहीं डलते, लेकिन इस रेसिपी में डालना ज़रूरी है अगर आप लोगों को पसंद हो तो, ठीक है। इसके बाद 1 कप मैंने इसमें दही ऐड कर दी। 1 कप मैंने पहले ऐड की थी, 1 कप अब ऐड कर रही हूँ, ठीक है। अच्छे तरीके से अब आप लोगों ने इसको भूनना है। माशाल्लाह मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से भुना है, आप लोग देख रहे होंगे ऑयल जो है निकलना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर देंगे, ठीक है। आप लोगों ने हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर देना है और 15 मिनट के लिए इसको प्रेशर पे लगाना है, ठीक है। 15 मिनट के लिए मैं प्रेशर को सेट करूँगी। सबसे पहले बॉयल आने देंगे, उसके बाद प्रेशर सेट करेंगे। माशाल्लाह बॉयल आ चुका है। अब 15 मिनट के लिए मैं इसको लगाती हूँ, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 15 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे जो हम लोगों ने पानी डाला था तकरीबन खुश्क हो चुके हैं और हमारा मैरिनेटेड मटन कोरमा एक नए अंदाज से तैयार हो चुका है। इसमें हरा धनिया मैंने इसमें डाल दिया और इसमें आप लोगों ने गरम मसाला पाउडर डाल देना है, ठीक है। गरम मसाला पाउडर 1/2 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और ज़बरदस्त तरीके से आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे, कितनी अमेजिंग इसकी लुक है। अब मैं इसको निकालती हूँ, ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त तरीके से ये हमारा कोरमा तैयार हुआ है। इसको निकाल लेंगे और फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ और इसको निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरती आ रही है। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो माशाल्लाह से फाइनल लुक आ चुकी है, मटन कोरमा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है एक नए अंदाज में। एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।